बंधा हेले पूर्वतन अर्थमंत्री पी चिदंबरम। आईएनएक्स मीडिया दुर्नीति मामलें ईडी सीबीआई गतकाली कांग्रेस वरिष्ठ नेता तथा पूर्वतन अर्थमंत्री पी चिदंबरम को बासभवन गिरफ कर गिरफ पर सीबीआई कार्यालय को निया 8 वर्ष पूर्व चिदंबरम अर्थमंत्री थी बेले पुओ कार्ति चिदंबरम नाम से अनेक बेनामी कंपानी अहेतुक अनुकंपा देखा अभियोग गिरफ्त कर गिरफ्त करने दीर्घ 3 दिन हेबो ईडी सीबीआई खोजुला हेले काली राति बासभवन गिरफ्त करी। एबे आसंतु देखिबा कौन थिला नाम रे अभियोग। उपा सरकार रे चिदंबरम अर्थमंत्री थिबा बेले एफडीआई को अनुमति देथिले। 2007 रे आईएनएक्स मीडिया को एफडीआई अनुमति देबारे चिदंबरम को संपृक्ति थिबा सीबीआई जानिबा को पाइछि। एथिपाई पुओ कीर्ति चिदंबरम उक्त कंपानी डील होता जमापड़ी। कीर्ति चिदंबरम यह अभियोग गिरफ होते परवर्त समय से जमिन में बाहरी आसी। गत वर्ष मे 15 तारीख में सीबीआई एने प्रथम मामला दायर कर सीबीआई कही आईएनएक्स मीडिया को एफडीआई अनुमति दे चिदंबरम 305 कोटी टंकार लाभ पाई गिरफ करने आईन लड़े भितर को ने परे कांग्रेस यहाँ राजनैतिक लड़े मैदान को आनी कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी बीजेपी सरकार को घेरिया मीडिया आपत्तिजनक मंतव्य राहुल गांधी सोनिया गांधी भी एने बीजेपी को घेरी। अंपटे सीबीआई रे गिरफ्त होगापर एवं कौन हे चिदंबरम अवस्था से नहीं देश राजनीति में हटचमट देखा मिली। किसी नेता यह अमित शाह प्रतिशोध बोली बेचना करुवा बेले खंडन करजेपी कारण चिदंबरम गृहमंत्री थी बेले एक हत्या मामलें वर्तमान स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह को गिरफ्त करा तेणु अमित शाह गृहमंत्री होगापर से चिदंबरम को गिरफ्त कराई कांग्रेस अन्य विरोधी दल मैंने अभियोग कर गतकाली पूर्वतन गृहमंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया दुर्नीति मामलें सीबीआई गिरफ्त कर आज सीबीआई चिदंबरम को अपराह्न कोर्टे हाजर कर यही समय 7 दिनिया रिमांड पर सीबीआई अनुमति मागली जमापड़ी। गत रात सीबीआई विभिन्न प्रसंगे जेरा करुवा सूचना अच्छी। गतकाली चिदंबरम गिरफ होगा बेले पुओ कीर्ति चिदंबरम चेन्नई में थे आज से आसी दिल्ली में पहुंची नाँ से आईएनएक्स मीडिया को नहीं जो अभियोग आसी से खंडन कर जीवन में से इंद्राणी मुखर्जी किंवा पीटर मुखर्जी केवे भेट होना एथसह बापा केन्द्र में मंत्री थी बेले क्या सहित भेटी से बाबद से जान कीर्ति चिदंबरम कहते बापा बेआईन भाव गिरफ्त कर विरोध कर से जंतर मंतर धारणा देवे भी कहते। ब्यूरो रिपोर्ट डीटीवी ओडिया।